स्टार्ट। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं, हमारे राष्ट्रीय एकता की भाषा है। एक ऐसी भाषा जो देश की सभी प्रांतीय व क्षेत्रीय भाषाओं को अपने स्नेह से बांधकर मजबूती प्रदान करती है। अपने समय के देश के बड़े बड़े भाषा विद्वानों ने हिंदी के महत्व को परिभाषित किया। यही वजह है कि आज़ादी के 65 सालों बाद हिंदी आज भी हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधे हुए है। पैरा देखा जाए तो वैश्विक तौर पर जिन मुल्कों में कभी अंग्रेजी का डंका बजा करता था, उन्हीं मुल्कों में अब हिंदी चल रही है। दरअसल यदि हम हिंदी के विकास और अतीत का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि यह आज जिस मुकाम पर पहुंची है वह इसके गुण धर्म के बल पर संभव हो सका है। हालांकि हिंदी के मार्ग में बाधा बनने वाली सरकार की नीतियां ही रही है। ऐसा हिंदी विरोधियों द्वारा ही प्रचारित किया जाता। अतः इस दिशा में सरकारी प्रयास तेज किए जाने की जरूरत है, ताकि इस मिथक व आरोप पर रोक लगे कि हिंदी के उत्थान के प्रति नीति निर्धारकों की नीयत कभी भी अच्छी नहीं रही। पैरा तत्संबंध में इस बात का हवाला देते हुए लाजमी होगा कि संविधान निर्माण के समय से ही हिंदी के साथ क्रूर मजाक होता रहा है। मसलन इस मुल्क के पास राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय पशु पक्षी हैं, मगर राष्ट्रभाषा नहीं है। ऐसी विडंबना के दौर से गुजरते हुए भी हिंदी अपने विपरीत एवं प्रतिकूल वातावरण को छांटकर अपनी सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गरिमा के बलबूते ही यूरोप में भी हिंदी सीखने का संस्कार जागृत किया है। यह सौभाग्य सूचक है कि हिंदी के प्रति यहाँ के निवासियों में जो ललक बढ़ रही है वह कहीं न कहीं इसकी गुणवत्ता के लिए कायल ही रही है। बुनियादी तौर पर भारतीय संस्कृति को समझने के लिए ही यूरोप का एक बड़ा वर्ग हिंदी प्रेमी बन रहा है। पैरा अध्यक्ष महोदय, औपनिवेशिक काल में जिस अंग्रेजी का वर्चस्व सार्वभौमिक तौर पर फैलता रहा है, आज उसके विपरीत हिंदी ने स्वयं को अपनी गुणात्मकता के सैद्धांतिक पक्ष के बल पर ही स्थापित किया है। हमें अब सहज तौर पर स्वीकार कर लेना चाहिए कि हिंदी भाषा ही नहीं संस्कार भी है। सच कहा जाए तो संस्कृत, संस्कृति और संस्कार की त्रिवेणी ही हिंदी की धरोहर है। ऐसी अनेक खूबियां और प्रभावी घटक हिंदी के मानस को पुख्ता बनाती है, जिसके सहारे यह भाषा पुष्पित और पल्लवित होती रही है। पैरा महोदय, हमें इस तथ्य को स्वीकार करने से कतराना नहीं चाहिए कि हिंदी का अहित साधने में हिंदी के साहित्यकारों और विश्वविद्यालयीन शिक्षकों
की भी अलग भूमिका रही है, लेकिन अपने दुर्भाग्य सूचक विसंगतियों को लांघते हुए हिंदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर अन्य मुल्कों में भी अपने सुयश का डंका बजाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा करने में जो कठिनाई है वह यह कि हमने पृथक भारतीय भाषाओं को एक साथ लाने का कोई यत्न नहीं किया। अलबत्ता अलगाव को विस्तार देने में ही अपनी ऊर्जा और प्रभावशीलता को आड़े आने दिया। स्टॉप।